चलो ये तो समरी जी करो। प्रणाम महाराज। हाँ अच्छा शुरू करते हैं। विवेक चूड़ामणि, हाँ संसार बंधन से मुक्ति हेतु विचारवान व्यक्ति सभी दृश्य पदार्थों में से दृष्टा निर्लिप्त निष्क्रिय आत्मा को करके उसी में सब कुछ विलीन कर एकात्म होकर रहता है, वही मुक्त है। अन्नमय कोष पर विचार। ये अन्नमय कोष क्षणिक अस्तित्व, क्षणिक गुणों और परिवर्तनशील स्वभाव का है, ये दृष्टा नहीं हो सकता। अच्छा, और ये शरीर हड्डी मांस त्वचा चर्बी अस्थि आदि की राशि है। ये देह के धर्म कर्म तथा अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है। अतः इस देह आदि से पार्थक्य स्वयं सिद्ध है। जड़ बुद्धि के लोग कभी देह कभी जीवात्मा को मैं मानते हैं, परंतु विचारशील आत्मा अनात्मा विचार पूर्वक सबकी अंतरात्मा स्वरूप निर्विकल्प ब्रह्म में ही मैं अनुभव से परम शांति में रहते हैं। पारंगत शास्त्रज्ञ भी मैं भाव के होने पर मुक्त नहीं होते। जैसे स्वप्न प्रतिबिंब छाया कल्पना आदि में आत्म शुद्धि नहीं आती, वैसे ही जीवित शरीर भी आत्मबुद्धि शून्य होना चाहिए, क्योंकि देह में आत्मबुद्धि ही अशुद्ध चित्र वाहन लोगों के दुख के कारण है। अतः यत्न पूर्वक चित्त को त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं रहती। प्राणमय कोष पर विचार। पांच कर्मेंद्रियों युक्त ये प्राण ही प्राणमय कोष है। अन्नमय कोष इसी के भीतर से पूरित होकर चेतना संपन्न हुए कार्यों में प्रवृत्त होता है। ये भी वायु का विकार है जो नित्य परतंत्र है, अतः आत्मा नहीं है। मनोमय कोष पर विचार। पांच ज्ञानेंद्रियों और मन एक साथ मनोमय कोष कहलाते हैं, जो जागतिक पदार्थों में मैं और मेरा कल्पना कर भेद कराता है और प्राणमय कोष को व्याप्त करके व्याप्त होता है। विविध वासना रूपी प्रज्वलित ये मनोमय कोष रूपी अग्नि पांच ज्ञानेंद्रियों रूपी हवन कर्ताओं के द्वारा विषय रूपी धारा विषय रूपी धारा द्वारा कुछ गलत हो गया इसमें द्वारा फिर से पढ़ो आ जाएगा। हाँ ये ज्ञानेंद्रियों रूपी हवन कर्ताओं के द्वारा पांच विषयों रूपी जल की धारा न की कुछ और है आगे। गलत हाँ आ गया उसमें। विषय विषय विषयों रूपी धारा वो में ऐसा है कि वो उसकी उसको वो ये अग्नि के साथ तुलना कर रहे हैं तो उसमें धारा नहीं आएगा, उसमें कैसा आएगा? बर्फ जी बर्फ आएगा। पिघलेगी। अच्छा आगे चलो आगे चलो।
अच्छा आगे चलते हैं, द्वारा मिथ्या से ढक देती है। मन ही एकमात्र भव बंधन का जड़ अविद्या है। इसी के नष्ट और उदय होने पर ही बंधन का नाश और बंधन मुक्त युक्त होते हैं। स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था दोनों में मन ही संसार का सृजन और विलास करता है। सुसुप्ति के समय मन का लीन हो जाता है, अतः संसार कल्पना मात्र ही है। वायु जैसा मन भी बादल रूपी बंधन लाता है और उसे हटाकर मुक्ति लाती है। वही आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है तथा विरक्ति पैदा कर बंधन छुड़ाता है। रजोगुण मन को मलिन कर बांधता है और रजोगुण तथा तमोगुण से शुद्ध होकर मोक्ष का कारण बनता है। ना विवेक वैराग्य से मन की शुद्धि। आत्म असंग चैतन्य स्वरूप होकर भी मन के द्वारा भ्रमित होकर निरंतर विषयों की सृष्टि करके उनके गुण क्रिया और क्रिया के कारण मैं और मेरा इस भाव के द्वारा सुख दुख और कामना संकल्प आदि कर्मों में घूमता रहता है। अतः बुद्धिमान मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वे विवेक और वैराग्य को दृढ़ करें। मन रजोगुण और तमोगुण से युक्त होकर अध्यास रूपी बंधन से अविवेकी पुरुष परिचालित करता है। अतः मन ही अज्ञान और अज्ञान या अविद्या है। मन की मन शुद्धि का महत्व। मुक्तिगामी साधक प्रीति के साथ इंद्रिय ग्राह्य विषयों के प्रति आसक्ति का समूल नाश, सकाम कर्मों का त्याग और ब्रह्म में पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण मनन और निधि ध्यासन में निष्ठावान होकर बुद्धि की रजोगुणी वृत्ति का नाश करता है। मनोमय कोश परिवर्तनशील है, अतः दुखात्मक है, विषय है, अतः ये परमात्मा नहीं हो सकता। विज्ञानमय कोश पर विचार। ये विज्ञानमय कोश देह धर्म कर्म गुणों में मैं का आचरण करता है। आत्मा के सान्निध्य के कारण ये अत्यंत प्रकाशमान है। यही शुद्ध आत्मा की उपाधि बन संसार में आवागमन करता है। ये ज्योति स्वरूप होकर समस्त प्राणों कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों तथा हृदय में स्फुरित होता है। परंतु आत्मा के इतने निकटस्थ होते हुए भी उपाधि युक्त कर्ता भक्ता बन जा भोक्ता बन जाता है। फल स्वरूप आत्मा इसके गुणों से युक्त होकर लक्षणों को वैसे प्रकट करता है जैसे अग्नि तप्त लोहे को व्याप्त करता है। शिष्य उवाच, भ्रांति दोष के द्वारा परमात्मा जीव का अध्यास परमात्मा पर जीव का अध्यास होता है होता रहता है जिसका कोई आरंभ नहीं है। अतः अध्यक्षित जीवात्मा का भी आवागमन निरंतर रहता है। अतः इस स्थिति में आत्मा की मुक्ति कैसे संभव है। गुरु उवाच, साक्षी निर्गुण निष्क्रिय बोध तथा आनंद स्वरूप आत्मा में बुद्धि भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति होती है जो मोह से दूर हो जाने पर नहीं रहती। गुरु ने कहा, ओ विद्वान यत्न पूर्वक और ध्यान से सुनो, कलह जो भ्रांति अविद्या से उत्पन्न हुई है वो अवस्तु है परंतु आत्मा की उपाधि के साथ है। अज्ञानता दूर होने पर ये मैं उपाधि नहीं रहती। अच्छा मैं फिर हो गया नहीं, थोड़ा बाकी है वो जो
कट गया था वो है। कहाँ गया, एक सेकेंड, नहीं इसके बाद। अविद्या तथा उसके कार्यों को भी अनादि स्वीकार किया गया है, परंतु ज्ञान विद्या। क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? हाँ, अब बोलो। परंतु ज्ञान के ज्ञान विद्या उत्पन्न होने पर मूल अविद्या और उसके कार्य स्वप्रकट स्वप्नवत लुप्त हो जाता है। ये विश्व प्रपंच अनादि होकर भी प्राग अभाव के समान नित्य नहीं है, परंतु प्राग अभाव का भी नाश होता है सम्मक ज्ञान से। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व का विज्ञान ही सम्मक ज्ञान है, जो विवेक द्वारा ही सिद्ध होता है। अतः ये विज्ञानमय कोश भी परम आत्मा नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, जड़, सीमाबद्ध, दृश्य और अस्थिर होने के कारण अनित्य है। ये आत्मा नहीं हो सकता। समाप्त। प्रणाम जी, हो गया, थैंक यू। देखिए, ये जो पैसेज है ना, 50 ये श्लोक है, इसमें खास करके महाराज ने, शंकराचार्य ने पंच कोश बताए हैं। हमारे शरीर पर जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, तो एक बनियान पहने, उसके ऊपर शर्ट पहना, उसके ऊपर स्वेटर पहना, उसके बाद कोट पहना, तो ये चार कवरिंग हो गए। इस प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर पांच कवरिंग से इनको कोश बोलते हैं वेदांत के अनुसार। एक तो है ये फिजिकल बॉडी, ये हम देह देख सकते हैं। हम क्या है, दुर्भाग्य से हम इस देह को अपनी बॉडी समझ लेते हैं। हम खुद समझते हैं कि मैं देह हूँ, लेकिन एक्चुअली वो उस बॉडी को, देह को हम देख सकते हैं ना, तो इसलिए जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता। हम अपने को, शरीर को इतना अपने आप के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि शरीर को ही मैं समझने लगते हैं। इसमें यहाँ पर शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है, क्योंकि ये अन्न से बना हुआ है। और बड़े विस्तार से शंकराचार्य ने कहा है कि यह अन्नमय कोश या शरीर हम मैं क्यों नहीं है। विचार के द्वारा डिसाइड कीजिए कि ये उठता है, बढ़ता है, चढ़ता है, मरता है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। छोटे हम थे, छोटा सा शरीर था, तब भी मैं था, और अब बड़ा हो गया है, शरीर तो बिल्कुल बदल गया है, तभी मैं हूँ, इत्यादि बहुत से विचार के द्वारा इस बात को बताया गया है। और ये विवेक चूड़ामणि का जो ज्ञान का मार्ग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी को अच्छी तरह सोचना चाहिए, प्रतिदिन सोचना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर से मैं भिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। उसके बाद कहते हैं मन भी मैं नहीं हूँ, उसके बाद में विज्ञान यानी बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से एक एक कोश को बताते हुए उससे आत्मा को पृथक करते हैं विचार के द्वारा। यह प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सजेशन है कि आप लोग सब इसको एक साथ फिर से पढ़िएगा, इंडिविजुअली पढ़िएगा। दुर्भाग्य यह है कि सच पूछा जाए तो इनको तो क्लास लेनी चाहिए, एक क्लास लेकर आपको एक एक को सबको समझाना चाहिए। हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट इनको पढ़ा है, इनकी क्लास हमने ली है, और हमने पढ़ाया भी है, और विवेक चूड़ामणि को पढ़ा भी है, लेकिन ये हमारी ये जूम मीटिंग वगैरह में एक एक दिन ऐसा संभव नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस लें, शुरू करें। सबसे पहले कुंडू, मेरा नियम है जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है जिसका, उसको सबसे पहले शुरू करते हैं। कुंडू महाराज, प्रणाम महाराज। हाँ भाई, चलो महाराज। श्लोक 169, इट इज सेड that mind alone is avidya, but is not vidya also in mind? Can you please explain this shloka? वो देखो, वहां पे ही पहले क्वेश्चन में फुटनोट देखो, उसमें एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया हुआ है। फोटो देखो तो वहां पे है तुम्हारे पास किताब। हाँ, अकॉर्डिंग टू, मैं पढ़ू महाराज? हाँ हाँ। अकॉर्डिंग टू वेदांत, there is no actual change in the self.
which is by nature pure and perfect. It is ignorance or avidya that has covered its vision, so to say, and it appears as limited and subject to change. Now, this ignorance is embedded in the mind, and when the mind is thoroughly purified through samadhi or discipline, the glory of the Atman manifests itself. This is said to be liberation. So it is here only the question of avidya, ignorance ke karan. Jo English mein bolenge ye acha word hai, ignorance. To ignorance ka opposite koi intelligence to hota nahi hai na. आपने हिंदी में है अविद्या तो उसका आपने विद्या कर लिया. एक्चुअली अविद्या विद्या दोनों ही वेदांत की दृष्टि से अविद्या ही हैं. एनीथिंग सुपर इम्पोज्ड ऑन द आत्मन ये, और उसको अगर हम सत्य मानेंगे तो वो भी अविद्या ही है. हम जब विचार करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, इसको हम बोलते हैं विद्या. हाँ महाराज, लेकिन ये सब भी जो है वो वेदांत की दृष्टि से अज्ञान के के स्फीयर में है, वो अविद्या के स्फीयर में ही आता है, अज्ञान के स्फीयर में ही आता है. सो देयर इज नथिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हिच यू कैन कॉल एज विद्या. यस महाराज जी, ब्राह्मण या आत्मा को ही नॉलेज बोलते हैं ना, शुद्ध ज्ञान. वो तो रियलाइजेशन हो जाता है ना, वो तो आत्मा ही, आत्मा जो है, आत्मा और नॉलेज जो एक ही चीज हो जाती है. अच्छा, तो उसको विद्या नहीं कह सकते, तो उसको थोड़ी विद्या कहें. महाराज जो लखन के बोलते हैं कि साधना जब करते हैं तो हम विचार कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, या एक वीक अभी हमारी जो मीटिंग हो रही है ये क्या है, विद्या की बातें हो रही है. तो इससे अविद्या जो हो गई. जी जी, अब आपका प्रश्न क्या हुआ? लेकिन ये भी अविद्या ही है हमें, जो जिसलिए समझ में नहीं आया महाराज, जैसे ठाकुर ने बोला विद्या माया अविद्या माया. हाँ. तो मतलब हमने सोचा विद्या और अविद्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स हैं. नहीं नहीं, बट दोनों माया है ना, ठाकुर खुद ही बोलते हैं. हाँ, तो फिर एक अविद्या माया को विद्या माया से दूर करो, एक कांटे को दूसरे कांटे से दूर करो, दोनों कांटों को छोड़ दो. हाँ, विद्या माया महाराज देवता विषयक ज्ञान है. नहीं नहीं नहीं, विद्या माया देवता विषयक नहीं, ये वेदांत का ध्यान भी विद्या माया में ही आता है. जब विचार कर रहे हैं ये, हम विद्या के माया के क्षेत्र में बैठे हुए बात कर रहे हैं. हाँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भी अविद्या ही है. अविद्या ये भी बोल सकते हो. हाँ, विद्या माया माया है, विद्या माया है, अविद्या बोलना नहीं चाहते हो तुम, तो इसलिए हम कहते हैं विद्या शब्द अविद्या शब्द, फिर तीसरा शब्द लाना पड़ेगा माया. अच्छा महाराज, ये दोनों जो है विद्या अविद्या, ये दोनों माया के अंदर, दोनों माया के लोक में ही आते हैं. हाँ. तो महाराज जी, एक छोटा सवाल ये है कि विद्या माया अविद्या माया ये दोनों आत्मा पे सुपर इम्पोज है. और इसको भी निकाल फेंकना है. महाराज जी, जब ये निकाल फेंकेंगे विद्या माया अविद्या माया, देन व्हाट विल रिमेन, दैट विल बी अ जीरो. अरे वही तो तुम्हारा आत्मा रहेगा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा रहेगा. हाँ. नहीं महाराज, फिर इसमें एक और प्रॉब्लम आ गया. प्रॉब्लम ये है, आपने बोला कवरिंग, चार पांच कवरिंग है, एक एक लेयर को निकाल निकाल के जाके फाइनली हम आत्मा तक पहुंच रहे हैं. लेकिन अगर एकदम ठीक ठीक से मन को हमने, मन की अविद्या को दूर कर दिया, मन शुद्ध हो गया, तो फिर और दोनों जो लेयर है वो दोनों तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा. नहीं नहीं, वो तो जब ऐसा है ना कि पूरा मन पूरी तरह विक गया तो पांचों लेयर दूर हो जाएंगे. हाँ वही बात है, तो एक 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 क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी. हाँ, पहले अन्नमय कोश को हमने विचार के द्वारा कहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये एक फ्लेवर हुआ. उसके बाद मनोमय कोश पर आए, मैं मन नहीं हूँ, ये मैंने विचार के द्वारा दूर किया. उसके बाद में मैंने कहा है कि मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, पहले इसके आया प्राणमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विचार के द्वारा एक 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 कोश हटाए. यही शंकराचार्य यहाँ पे कर रहे हैं,
ये मोस्टली अभी अन्नमय कोष की बात ज्यादा चल रही है। तो अब प्रश्न यह है कि जब अगर एक साथ ही अगर दूर कर सको आप कंटिन्यूअसली तो ठीक है करो, हाँ, नहीं हो पाता इसलिए अन्नमय कोष को दूर करो, फिर प्राणमय कोष को दूर करो। दूर करो यानी विचार के द्वारा या जानो कि मैं आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, मैं प्राणमय कोष जो है ये आत्मा नहीं है। तो इसी में एक और महाराज एक सवाल हो गया कवरिंग्स के, तो ये एक कवरिंग के साथ दूसरे कवरिंग का क्या रिलेशन है? लाइक कैन आई से दैट अन्नमय कोष इज इनफीरियर टू प्राणमय कोष, समथिंग लाइक दैट? नहीं देखो ऐसे ऐसे देखो, अन्नमय कोष है ना हमारा बॉडी है, हाँ, तो ये बॉडी जो चल फिर रहा है, हाथ हिला रहे हैं, ये क्यों हिला रहे हैं? हाँ, ये प्राणमय कोष प्राण, प्राण उसको कंट्रोल कर रहा है या, हाँ, तो फिर दोनों एक साथ रहते हैं। हाँ, और उसके साथ में मन मन भी मिला दिया, मन ने कहा कि हाथ हिलो, मन ने इच्छा की हाथ हिलो, तो प्राणमय कोष और अन्नमय कोष और मनोमय कोष तीनों एक हो गए। हाँ, ये जो इंटर रिलेशन जो है इसको समझ भी पा रहे हैं नहीं भी समझ पा रहे हैं महाराज, दोबारा बोलिए। नहीं नहीं ऐसा है कि उनको वेदांत उन्होंने शंकराचार्य ने कोशिश की है वेदांत में इनको पांचवें कोष को समझाने के, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने बॉडी को बॉडी चलती फिरती बॉडी को भी आप एक बॉडी ही समझते हो तो उसको समझो कि ये बॉडी और ये हिलना डुलना ये सब मैं नहीं हूँ, ये आत्मा नहीं है, मैं आत्मा इनसे भिन्न हूँ, ऐसा कर लो। ओके, इन व्हिचएवर यू अपने उनसे सबको हटा लो, आत्मा जो है ये इन सब चीजों से अलग है। महाराज एक छोटा सा एक आधा सेकंड, ये सब कोर्स हटा दिए कवरिंग हट गए तो उस समय जो फीलिंग होगा वो किस प्रकार का फीलिंग्स होगा? अरे होगा तब पता चलेगा, अभी से बोल रहे हो उस समय क्या होगा कौन बताएगा, जब होगा तब पता चलेगा। और क्या होगा, आप आनंद से विभोर हो जाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, उछलने लग जाएंगे, बार बार ब्रह्मेशानंद को फोन करेंगे, महाराज 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 अरे क्या आनंद है क्या आनंद है, ये सब करने लग जाएंगे, मैं आत्मा हो गया महाराज, पता नहीं क्या होगा। महाराज जी आप ठीक बोले हैं, ठीक बोले हैं। सुनो अभी आएगा विवेक चूड़ामणि में आगे जब जाओगे तो हाँ। पांच कोष हटाने के बाद में जो शिष्य है उसको एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस जो होगा वो बोलेगा, वो दस पांच दस श्लोक है उसमें वो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस आनंद का एक्सपीरियंस जो है वो आगे आएगा। जी महाराज कोर्स दूर करो ना तुम, तो भाई हमेशा ये दूर से कूद के ही बाहर जाना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल होगा। पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा। उस समय क्या होगा उस समय क्या होगा, अरे किताब पढ़ो ना, ये पढ़ते ही आगे पता चल जाएगा। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज श्लोक 172। It is said that both bondage and liberation are caused by the mind. If a purified mind can achieve liberation, why there is injunction for purification of body, which is by nature impure? Aisa hai, your point is also purification of mind is not generally given much importance only as preliminary shamadama ityadi hai na haan to vedant mein jo ye to shat sampatti ho gaya to isko wahan pe keval purification ke ma shamadama uparati titiksha shraddha samadhan to ye bhi purification of mind and body ko ek sath liya hai शम जो है वो कंट्रोल ऑफ माइंड मन को करना है, दम है वो उसमें बॉडी को कंट्रोल करना है, उपरति यानी संसार की चीजों से अलग हटना है, श्रद्धा है और समाधान है और एकाग्रता है, तो ये चीजें जो है इसको प्रिलिमिनरी करके बताई गई हैं। एक्चुअली दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड इज नॉट बॉडी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। और कुछ लोग क्या करते हैं केवल पुरुष बॉडी को ही प्यूरिफाई करते रहते हैं और माइंड बिल्कुल गंदा रहता,
हाँ नहाते रहते हैं महाराज, 50 बार वो तो, नहाया, 50 बार कपड़े, दिन बार 3 बार नहाते हैं, कुछ नहीं है, उससे नहीं होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। यस यस महाराज। नाउ श्लोक 182 महाराज, डज द लास्ट वर्ड बुद्धि हियर इम्प्लाई द माइंड? देखो वेदांत में इंटेलेक्ट और माइंड को अलग किया गया है। हाँ, एक है माइंड यानी मन और बुद्धि, दोनों को अलग किया गया। हम जब तक सोचते रहते हैं ये ठीक है कि ये नहीं ठीक है, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये सब सजा करते रहते हैं, ये मन के द्वारा होता है। लेकिन व्हेन वी कम टू ए कंक्लूजन, हम ये तो नहीं सोचते हैं कि मैं अमुक हूँ, मैं ब्रह्मेशानंद हूँ, ये तो नहीं सोचते। ये कंक्लूजन हो गया है कि मैं ब्रह्मेशानंद हूँ, ये कंक्लूजन किससे हुआ है? बुद्धि के द्वारा हुआ है। तो बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका है, ये इट इज निश्चयात्मिका, डिटरमाइनिंग फैकल्टी। तो इसको वहां पे वेदांत में क्लियरली डिस्कस किया है कि बुद्धि जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मानो एक मन जो है वो, ये देह जो है वो रथ के समान है, मन जो है लगाम है और बुद्धि है सारथी। सो इट इज लाइक दिस विच इज कंट्रोलिंग माइंड रूपी लगाम, और उसके द्वारा शरीर रूपी रथ को वो कंट्रोल करते। तो देर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी अबाउट अंडरस्टैंडिंग बुद्धि। हाँ महाराज, एंड लास्ट महाराज 206 लास्ट श्लोक, जिसमें ये बोल रहा है दिस नॉलेज दैट यू हैव बीन स्पीकिंग ऑफ कैन नॉट बी द सुप्रीम सेल्फ, बट हाउ इज नॉलेज नॉट कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट? हम लोग जो ज्ञान जो है वो तो ब्रह्म का स्वरूप तो ज्ञान ही है, तो इसमें क्यों बोल रहा है कि ये दिस नॉलेज सीड दैट यू हैव बीन स्पीकिंग ऑफ कैन नॉट बी द सुप्रीम सेल्फ फॉर द फॉलोइंग रीजन, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो ये नॉलेज कैसे चेंज होता है? देखो 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 देखो, जो ज्ञान है वो आत्मा नहीं है। हाँ, ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश हो जाता है और आत्मा प्रकट हो जाती है। लेकिन ज्ञान का चेंज क्या होता है? ज्ञान तो ज्ञान ही है। हाँ, नहीं नहीं, तो क्या हुआ उसको? क्या क्या, ज्ञान तो ज्ञान है, ठीक है। तो ज्ञान से ने अज्ञान को दूर कर दिया और आत्मा प्रकट हो गई। लोअर ज्ञान एंड हायर ज्ञान, हम एक तो पढ़े अपने ज्ञान के भी स्टेजेस है ना, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। ना अल्टीमेटली जो हायर ज्ञान है उससे लोअर ज्ञान दूर हो जाता है और आत्मा ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाती है। यानी एक कपड़े से आपने एक सिर को अपने चेहरे को ढक लिया है और आपने अपने हाथ से उस कपड़े को हटा लिया, तो कपड़े से ढकना हुआ अज्ञान और हाथ से हटाना हुआ ज्ञान और आपका चेहरा दिखाई देने लग गया। अच्छा, दिक्कत क्या है? ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश हो जाता है और आत्मा जो है वो क्लियर हो जाके और प्रकट हो जाती है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? कुंडू क्या हुआ? महाराज मेरे ऊपर में जो कवरिंग था, जो भ्रांत ज्ञान था, मैंने जो अपने आप मतलब मैंने जो रस्सी को साफ समझ रहा था उस टाइम में तो वो ज्ञान था। ये जो ज्ञान की चेंज की बात कर रहे हैं वो क्या ये बोल रहा है कि भ्रांत ज्ञान से जो हम सही ज्ञान में जा रहे हैं दोनों को ज्ञान शब्द द्वारा दोनों को ही बोल रहे हैं क्या? अच्छा, एंड दैट्स हाउ इट इज चेंजिंग। ना, दोनों जो है वो दोनों भी अज्ञान, दोनों जो है वो सिर्फ आवरण को, एक ज्ञान अज्ञान को दूसरे ज्ञान के द्वारा दूर किया जा रहा है। हाँ, एक जो है भ्रांत ज्ञान है। हाँ, तो दूसरा है सत्य ज्ञान। अच्छा, तो भ्रांत ज्ञान को सत्य ज्ञान से दूर किया, दूर किया है तो आत्मा हाँ, प्रकट हो गया। अच्छा, तब ये ज्ञान भी चला गया, मतलब अब जरूरी नहीं है जो ज्ञान रहे।
तो शुद्ध भक्त शुद्ध बुद्धि हो गया ना महाराज, जो कहते हैं शुद्ध बुद्धि शुद्ध बुद्धि शुद्ध बुद्धि बात ठाकुर बोलते हैं शुद्ध बुद्धि शुद्ध आत्मा एक। अब समझ में आ गया महाराज। चलो भाई दिलीप भाई प्रणाम महाराज। प्रणाम। हाँ भाई दिलीप भाई प्रणाम। प्रणाम महाराज। हाँ मेरा पहला सवाल है हाउ श्लोक नंबर 154 हाउ आत्मन कम्स इन प्योर बॉडी विदाउट आत्मन बॉडी बाय इटसेल्फ इज नो वर्थ। बॉडी तो अपने आप में प्योरी होती है। प्रश्न क्या है आपका महाराज? मेरा प्रश्न ये है कि हाउ आत्मन कम्स इन प्योर बॉडी विदाउट आत्मन बॉडी बाय इटसेल्फ इज नो वर्थ। यदि बॉडी अपने आप में इम्प्योर है तो आत्मा कैसे आएगी उसमें? नहीं नहीं वो तो अब तो ठीक है। हाँ उसमें सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? दिस बॉडी ऑफ आवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फूड एंड कंप्राइजेस इन द मटेरियल सेट। इट लिव्स ऑन फूड एंड डाइज विदाउट इट। इट इज अ मास ऑफ स्किन फ्लेश ब्लड बोन्स एंड फिल्थ एंड कैन नेवर बी द एटर्नली प्योर सेल्फ एग्जिस्टेंट आत्मन। तो ये अपने आप ये बता रहे कि हमारी बॉडी इम्प्योर है तो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कैसे करेगी? नहीं नहीं प्रवेश कर वो तो जब इम्प्योर है तो इसलिए गलती से कुछ ने आत्मा ने प्रवेश नहीं किया। नहीं वो प्रवेश करेगी क्या यार? करेगी नहीं, करेगी नहीं वो आत्मा। हम अज्ञान से सोच रहे हैं कि आत्मा ने बॉडी में प्रवेश किया। अज्ञान से सोच रहे हैं कि आत्मा ने मन में प्रवेश किया है। मन में मनोमय पांच में पंच कोष जो है उसने अज्ञान के द्वारा हमारा हम ये जो है आत्मा उसमें कवर हो गई है। अज्ञान दूर हो गया तो आत्मा तो शुद्ध है ही, वो पहले से ही शुद्ध थी। अच्छा तो ये शंकराचार्य जी ने इसमें ये बताया दिस बॉडी ऑफ आवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑल फाइव मटेरियल्स फ्लेश ब्लड बोन्स एंड फ्लिन एंड कैन नेवर बी एटर्नली प्योर। ये जिससे ये शरीर बना वो तो प्योर है ही नहीं और तो है नहीं। हाँ, और वो आत्मा हुआ कैसे जाएगी इम्प्योरिटी में? नहीं उसके बाद मन भी पवित्र नहीं है। हाँ, बुद्धि हाँ, भी पवित्र नहीं है। ये कोई भी चीज पवित्र नहीं है। हाँ, ये सब अज्ञान के कारण हमको लग रहा है कि आत्मा अंदर घुसी हुई है। अच्छा अविद्या के कारण हम सोच रहे हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है, वो तो है ही नहीं वहां पे। तो पंच कोश से हमेशा अलग है। तो ये जो हमारा एग्जिस्टेंस जो सो कॉल्ड दिख रहा है सामने ये क्या है फिर? यदि सो कॉल्ड एग्जिस्टेंस है इसीलिए तो कुछ दिनों तक रहता है फिर खत्म हो जाता है। जी लेकिन आत्मा तो है वो हमेशा बनी रहती है। अब भी इसको रिलेटिव एग्जिस्टेंस बोलते हैं। जी ओके मैं 157 दैट द आत्मन as the abiding reality is different from the body, its characteristics, its activities, its states, etc., of which it is the witness, is self-evident. Now my question is, Maharaji, Atman is seer and the body is the seen. Atma drashta hai aur sharir ke dwara hone wale samas karya drashya samajhna hai kya? Haan, theek hai. Barabar? Haan. ओके मेरा वही समझना था। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 160 द स्टूपिड द महाराज जी द स्टूपिड मैन थिंक्स ही इज द बॉडी द बुक लर्नेड मैन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द मिक्सचर ऑफ बॉडी एंड सोल। नाउ महाराज जी हियर माय क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द श्लोक दिस बुक्स स्क्रिप्चर्स आर नो गुड फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोल। Stupid men thinks about the board, books learned. Then these books are scriptures and no good for realization of soul. So how to discriminate the body from the soul? ऐसा है उसको देखो अभी थोड़ा वहां पे जो तुमने बात की उसको बताते हैं। जी वो देखो 59 को भी देख लेना। 159 भी यहाँ लिखा है while the man of discrimination knows his own self. Yes. हाँ ठीक है। हाँ जी देखो देखो तो तीन प्रकार के लोग हो गए। हाँ एक तो है मूर्ख व्यक्ति जी जो बॉडी को आत्मा समझता। हाँ
ठीक है, कोनो डिफिकल्टी? नो नो बिल्कुल नहीं। दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति, जी वो विचार करता है, हाँ, और सोचता है कि ये देह भी अलग है और आत्मा अलग है, बराबर। और तीसरा, हाँ, जो महात्मा हो जाता है, जी जी, वो समझता है कि मैं आत्मा ही हूँ। यस, हाँ, नहीं तो मेरे को ये समझने के लिए कि मैं बुद्धिमान हूँ या उसके बाद महात्मा जब समझते हैं, तो उसके लिए मेरे को ये श्लोक और स्क्रिप्चर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं? अगर एक बार देखो विद्वान बनने के लिए पड़ेगी, दूसरी लेवल मैंने बताया ना, तो उसमें थोड़ी पड़ेगी, हाँ, लेकिन अगर महात्मा हो गए आप तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, या नहीं, इसकी जरूरत तो है, शुरू शुरू में जो लिखा था, शुरू में है, शुरू शुरू में है। राइट राइट, ओके महाराज जी। नाउ माय 161 श्लोक, ओ फुलिश पर्सन, सीज टू आइडेंटिफाई थाइसेल्फ with this bundle of skin, flesh, fat, bones and filth and identify thyself instead with the absolute Brahman, the self of all and thus attain to supreme peace. Maharaj ji, how can I get out of the filthy things in body and in mind? Soul dwells in absolute Brahman. Brahm mein apni main buddhi ko lagao. Brahm mein apni main buddhi ko lagao. और इस प्रकार परम शांति का अनुभव करो। महाराज जी, व्हेन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड नीड्स देयर फूड, देन हाउ माइंड कैन ड्वेल। ऐसा है ना, कभी बता दिया ना कि मैं आत्मा, ये शरीर जो है वो बॉडी तो आत्मा नहीं है, हाँ। अच्छा, ये मन भी आत्मा नहीं है, नहीं, प्राण भी आत्मा नहीं है जी, और ये बुद्धि आत्मा नहीं है, हाँ। तो आत्मा अलग हो गई इन सब से, हाँ। अब ये जो आत्मा हुई है, अलग हुई है, हाँ, ये क्या, हाँ, है फिर? बिल्कुल शुद्ध आत्मा हो गई, बिल्कुल। तो ये आत्मा जो शुद्ध हो गई है, इसी, हाँ, को हम ब्रह्म भी कहते हैं। ओके, ये जब आत्मा बुद्धि के साथ मिल जाती है, हाँ, ये ब्रह्म जो है मन के साथ, बुद्धि के साथ और शरीर के साथ मिल जाता है, तब इसको हमने दिलीप भाई बोल दिया, ब्रह्मेशानंद बोल दिया, अलग 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 इंडिविजुअल हो गए, हाँ। जब एक एक करके पांचों निकाल दिए, तब ये ब्रह्म जो और आत्मा एक। अच्छा, हाँ, तो फिर इसके अंदर वही हो गया जो मिट्टी का एग्जांपल लो या सोना का एग्जांपल लो, इट इज वन एंड द सेम। और भी और दूसरा बहुत ज्यादा, एक घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है, जी जी, तब वो घड़ा ही समझ रहे हैं, हाँ। जब घड़े को फोड़ दो तो वो पानी जो है वो और तालाब का पानी एक हो गया, हाँ, अच्छा जी, ओके, दैट्स राइट जी महाराज। श्लोक 164 है, डिस्ट्रॉय थाउ दिस विद द अटमोस्ट केयर। हाँ महाराज जी, दिस एक सेंटेंस है, डिस्ट्रॉय थाउ दिस विद द अटमोस्ट केयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अटमोस्ट केयर? डेफिनेटली इट डज नॉट मीन सुसाइड, बट इफ ए मुमुक्षु stops taking food and then even water in Jainism called santhara is permissible, क्योंकि utmost care उतना चाहिए यहाँ पे। नहीं नहीं, तो अपने किसको किसको destroy करना है ये तो देखो, हाँ, क्या लिखा है महाराज जी? इसमें लिखा है, identification with the body alone is the root that produces the misery of birth of people who are attached to the unreal. Therefore, destroy thou this with the utmost care. अच्छा, identification, identification destroy करना है। हाँ। याने हमारा, हम समझ रहे हैं अपने आप को देह। जी। तो देह को नहीं मारना है। देह के साथ हमारी जो identification है कि मैं देह हूँ, इसको डर मारना है। Okay. जी। और ये विचार के द्वारा होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी विद आत्मा। ओके, तो बॉडी को नहीं मारना, उसके प्रति हमारा जो विचार है कि बॉडी जो है वो आत्मा है, उसको मारना। ओके, बराबर महाराज, बहुत ये मिसअंडरस्टैंडिंग कंसेप्शन था, मिसकंसेप्शन। हां, द श्लोक नंबर 168,
the mental self is the sacrificial fire which fed with the fuel of numerous desires by the five senses organs which serve as priest and set ablaze by the sense objects which acts as a stream of oblations brings about the this phenomenal universe. Please explain, though it is very easy, what is the meaning of is jagat prapanch ko wo karti hai arthat chalati hai. ऐसा है कि ये यहाँ पे क्या किया है जी कि हमारा मन को मन में जो कुछ हो रहा है ना उसको यज्ञ बना लिया. हाँ ये यज्ञ में क्या करते हैं हवा हवन देते हैं ना अग्नि दे अग्नि में क्या करते हैं घी डालते हैं जी 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 जिससे अग्नि वो रुकती है जी. उसी प्रकार हमारे मन में हमने लड्डू खाया तो मन और प्रज्वलित मन रूपी अग्नि जो है वो और जलने लग गई जी. उसको सुंदर दृश्य दिया तो ये दृश्य जो है ये घी जैसा हो गया. हाँ. उससे हमारे मन रूपी अग्नि जो है वो फिर और ज्यादा जलने लग गई. हाँ, तो ये बताया है कि यह जो मन रूपी अग्नि है इसको बंद करना पड़ेगा नहीं तो कभी बंद नहीं होगी. तब पढ़ो इसको अब पढ़ो उसको. द मेंटल सेल्फ इज द सैक्रिफाइशियल फायर व्हिच fed with the fuel of numerous desires by the five senses organs which serve as priest and set ablaze by the sense of objects which acts as a stream of oblations brings about the phenomenal universe. वही तो हो गया तो जी. ठीक है जी. अच्छा चलो आगे चलो. नहीं अब जैसे आपने बताया तो हम जो चीजें अग्नि में डालेंगे घी की जगह पे तो ये और फ्लेयर होगी तो क्या चीज डालेंगे. नहीं नहीं जो भी हम विषय खाते हैं लड्डू खाते हैं आंखों से देखते हैं जितने विषयों का हम अनुभव करते हैं एंजॉय करते हैं ये मानो अग्नि में डालने वाली घी जैसा है बस बना. अच्छा तो ये जो नहीं माने जी यदि जो हवन करते तो ये चीजें डालते हैं तो इसको अंदर जाने के बाद ये स्वाह हो जाती. हाँ नहीं नहीं आपका प्रश्न क्या है वो तो स्वाह हो गई. हमने तुमने जो बताया ये वाक्य जो बोला है कि ये मन में भी हो रहा है ये अग्नि जो है ये हवन जो है मन में हो रहा है ये हमने आपको समझा दिया. बस आपका प्रश्न इसके आगे कुछ है क्या. नहीं तो ये अब इसको हम निकाल फेंकेंगे कैसे निकाल कैसे फेंकेंगे जब ये अंदर ही अंदर. हाँ उसको अंदर मत ले मत लो जितना जितना हो सके मत लो विषयों का भोग ज्यादा मत करो. अच्छा तो वो अंदर ही अंदर शांत हो जाएगी. वो शांत हो जाएगी. ओके जी महाराज जी. अब 169 में है देयर इज नो इग्नोरेंस अविद्या आउटसाइड द माइंड. यस महाराज जी द वर्ल्ड इज द ओनली प्रॉब्लम एंड नॉट द माइंड. इफ वर्ल्ड इज गुड माइंड विल थिंक गुड. आवर ऋषि मुनि फाउंड द वर्ल्ड एज बैड. महाराज जी गॉड हैज मेड अ बैड वर्ल्ड and if so why our mind cannot make it good to live in. my question na prashn kya hai aapka prashn kya hai maharaj ji ye iske andar sirf ek hi sentence likha hua hai there is no ignorance avidya outside the mind outside the mind koi avidya nahi hai. now my question is now my problem is that not mind mind is dimag mein kuch bhi avidya nahi hai. ये तो ये संसार चक्र जो चल रहा है. नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं उल्टा उल्टा है. पहला लिखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है. एक मिनट में फर्स्ट लाइन देयर इज नो पढ़ी ना आपने. हाँ देयर इज नो इग्नोरेंस आउटसाइड द माइंड. यस मन के बाहर अज्ञान नहीं है. मन सारा अज्ञान मन के अंदर है. ये संसार तो बढ़िया है. हाँ मैं उल्टा मैंने अज्ञान के कारण इसको बढ़िया मैं अज्ञान के कारण इस संसार को मैं सत्य समझ रहा हूँ और कष्ट में पा रहा हूँ. ये मेरे मन के अंदर अज्ञान के कारण है. यहाँ कह रहे हैं कि बाहर कोई अज्ञान नहीं है मन के अंदर ही अज्ञान है. इस मन अज्ञान को दूर कर दो तो मुक्त हो जाओगे इसी क्षण. सो ओके जी महाराज जी. नाउ 177. I do not understand the difference between the enjoyment in heaven and the Brahman. Now my question 177 slow.
the mind continually produces for the experiencer all sense objects without exception, whether perceived as gross or fine. The differences of body, caste, order of life and tribe, as well as the varieties of qualifications, actions, means and results. Yeah, what's the Yeah, I do not understand the difference between the enjoyment in heaven and the Brahman. वो तुम हवन में जाओगे, अप्सराएं मिलेंगी, तब तो समझोगे ना कि ये अप्सराओं का सुख और संसार के सुख में कितना अंतर है। वहां जाके अप्सराओं का सुख होगा तब तो समझोगे भाई दोनों के अंतर। वो बराबर ये श्लोक जो बोल रहा है उसका मीनिंग में चाहता था। The mind continually produces for the experiencer all sense objects without exception, whether perceived as gross or fine. The differences of body, caste, order of life and tribe, as well as the varieties of qualifications, action, means and the results. ये पूरा है ना कि ये सारा है ना। हाँ। ये जो आपका स्वर्ग भी जो है ना ये मन में बनाया हुआ है। वो कुत्ता समझता है कि ये आदमी लोग जो बड़े बढ़िया हैं, इनको बढ़िया बढ़िया खाने मिलता है, अच्छा रहते हैं, हमको तो जमीन में पड़े रहना पड़ता है। जी। उसका मन जो सांसता है कि मुझे भी ये मिले, उसी प्रकार हमने भी अपने मन में कल्पना की है कि अप्सराओं के वहां पे स्वर्ग में बहुत सारा सुख मिलता होगा। यानी ये सारी सारी कल्पनाएं जो है वो मन के अंतर चलती रहती हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। अच्छा, ठीक है जी, जी महाराज जी, जी। 188 महाराज जी, एज पर द श्लोक द स्क्रिप्चर नॉलेज एंड द गुरु ज्ञान इज सुपर इम्पोजिशन। हाँ, ये जो पहले सवाल था ये 188 में इन्होंने कहा है, इट इज ऑलवेज मिस्टेक्स द ड्यूटीज फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ लाइफ विच बिलोंग्स टू द बॉडी एज इट्स ऑन द नॉलेज सेट is exceedingly if you listen owing to the close proximity of the supreme self which identifies itself with its suffers transmigration through delusion, it is therefore a superimposition of the self. Ji, question kya hua aapka? Ha, mera question ye raha ki superimposition guru gyan is superimposition. नहीं नहीं, सुपर इम्पोजिशन नहीं है। मैं जो शरीर जो है ना वो जड़ है। हाँ, जड़ है। लेकिन यह आत्मा के कारण, आत्मा के सुपर इम्पोजिशन के कारण ये आपको बढ़िया दिख रहा है, या उल्टा बोलो कि आत्मा के ऊपर शरीर का सुपर इम्पोजिशन होने के कारण शरीर जो है वो हाँ। चेतन दिखाई दे रहा है। हाँ। आत्मा के ऊपर बुद्धि का सुपर इम्पोजिशन होने के कारण मैं बुद्धिमान, मैं घन धनवान, ये सब हो गया है। हाँ। ये सुपर इम्पोजिशन के कारण होता है। राइट जी महाराज जी। एंड द माय लास्ट क्वेश्चन इज श्लोक 191 महाराज जी, व्हाट दिस श्लोक वांट्स टू से बाय गिविंग द एग्जांपल लाइक द चेंजलेस फायर अज्यूमिंग द मॉडिफिकेशंस ऑफ द आयरन व्हिच इट टर्न्स इनटू रेड हॉट। मैं और आत्मा सदैव भिन्न है, इट इज नॉट क्लियर, प्लीज एक्सप्लेन। यानी आत्मा जो है उसके ऊपर जैसे अग्नि है। हाँ। तो अगर एक लोहा जैसा आपने एक लंबा लोहे की रॉड डाली तो अग्नि हाँ। जो है लोहे की रॉड जैसे दिखने लग गई। हाँ। अच्छा, लोहे के अंदर एक गोला डाला और आत्मा में अग्नि में गोला डाला तो अग्नि जो है गोले जैसी दिखने लग गई। जी, गोला है ना। जैसे हाँ। अग्नि में जैसा लोहा डालोगे वैसा अग्नि का रूप हो जाएगा। जी, उसी प्रकार से आत्मा रूपी अग्नि के ऊपर अगर आप जो भी शरीर डाला तो शरीर के रूप में आत्मा हो गई। Yes. और मन मन आ गया तो मन जो है शरीर, आत्मा जो है वो मन जैसी दिखने लग गई। बस महाराज, प्रणाम। अच्छा मजुमदार सुबीर, अरे सुबीर तुम्हारा रूप हाँ, प्रणाम। हाँ प्रणाम महाराज, तुम्हारा रूप नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा महाराज? रूप नाम नहीं? नाम तो दिख रहा है, रूप नहीं दिख रहा है। वो अच्छा, अच्छा। सपना दिखाई दे रही, तुम नहीं दिख रहे हो। अब दिख रहा है महाराज? अब थोड़ा आधा आधा दिख रहे हो, आधा दिख रहे हो।
महाराज मैं पहले पिछले संडे का सवाल करूं या अभी इसी टॉपिक के ऊपर ही करूं? पहले ये कर लो, उसके बाद करना। जी अच्छा महाराज, पहला सवाल है, सो मेनी श्लोकास हैव बीन डिवोटेड टू द बॉडी। यस। बाय रीजनिंग एंड लॉजिक वी अंडरस्टैंड इट इज नॉट आत्मन, बट द मोमेंट वी आर एफ्लिक्टेड विद से फीवर टूथेक ट्रॉमा All our reasoning goes out of the window. हाँ. What to do? क्या करना? तो constant practice, इसके अलावा कुछ नहीं है। The only answer is constant practice. No. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। प्रत्येक दिन बोलना नहीं है, उसको करना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस। जिस दिन आप खाना खा रहे हो तो भी सोचो कि मैं आत्मा नहीं हूँ, ये शरीर ही आत्मा खा रहा है। ओके। वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी, सारा जीवन जो है अन्नमय कोष में ही निकल जाता है, उसको सेपरेट नहीं होता। सो कांस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है महाराज। कांस्टेंट प्रैक्टिस, नो अदर अल्टरनेटिव, नो अदर वे। महाराज सिर्फ विचार ही हो गया ना, जित नहीं तो विचार दृढ़ होने पर परिवर्तित हो जाएगा शरीर, मन अपना दृढ़ करना पड़ेगा, मन मन परिवर्तित हो जाएगा। जी जी, जैसे वो किसकी है, एक कौन संत थे, एक याद नहीं आ रहा है, वो पावापुरी अपने यहाँ के गाजीपुर के ही संत की बात है शायद, कि वो कोई एक महिला, एक उनका एक लड़का उनके पास आता था शिष्य, लेकिन उसकी माँ पसंद नहीं करती थी, तो वो माँ गालियां देती थी उनको, संत को, तो लोग बोलते थे कि महाराज वो आपको बहुत गाली देते, कह रहे मुझे नहीं देती, मुझे नहीं। एक दिन वो आ गई, बहुत गाली दे रही है कि तूने मेरे लड़के को बिगाड़ा है, ये है बदमाश है तू, ये है, तो लोगों ने कहा महाराज आपको बोले कि नहीं नहीं मेरे को नहीं बोल रही है, उसी को बोलने लगे तू मेरे को तो नहीं बोलती है, तो उसने क्या किया, बाल पकड़ लिए, अरे तुझी को ही बोल रही हूँ, तो उन्होंने कहा देखा ये मेरे शरीर को बोल रही है, मुझे नहीं बोल रही है। मन में दृढ़ता होनी हो जाएगी। हमारा क्या है कि हम खाना खा रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं बोलते हैं कि मेरा शरीर खाना खा रहा है। जी जी। अरे दवा तो लेनी है ना, अगर दवा तो लेनी होगी ना। क्या बोला, क्या समझ? दवा तो लेनी पड़ेगी ना, मारोगा शरीर तो। चलो चलो आगे चलो। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन, it is in continuation with body only. We recall Sri Sri Thakur was very particular about dress when visiting someone. तो वो वही शरीर की बात आ जाती है, तो वो कहते थे हृदय को देखो मेरा कपड़ा सब ठीक है कि नहीं, मेरे सब कुछ, where I'm looking okay or not. Why did he do that? वो ये ऐसा है, कुछ नहीं, ये इसका आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना नहीं है, ये सोशल एटिकेट स्वामी ठाकुर बराबर प्रारंभ करने का प्रयत्न करते थे। अच्छा। हाँ, सोशल एटिकेट। ओके। और कुछ नहीं, इसे ओके, तो, अच्छा ठीक है। तो मतलब महाराज कहने का मतलब है कि व्यवहार के लेवल पर तो हमें शरीर से भी बात करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं वो ऐसा है, हम लोग क्या है ठाकुर का यही लेंगे कि देखो ठाकुर, देखो अपने कपड़े इतना बढ़िया करते थे, ध्यान रखते थे, तो हम सारा ठाकुर का वो कपड़ों का ही लेंगे, लेकिन ठाकुर जो भगवान में विलीन होया करते थे, पागल होते थे, वो नहीं लेंगे। तो ये जो है स्वामी जी पर ठाकुर, वो उच्च अवस्था में ठहर के उसके बाद में जब बाहर जाते थे भाई मेरे कपड़े ठीक हैं, तो और उस समय जब समाधि में रहते थे, जब कपड़ों का ध्यान ही नहीं रहता था। मैं इसलिए पूछ रहा था कि हमारी आचरण इसी प्रकार होना चाहिए कि नहीं। ना ना, वो सोशल आचरण से, इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना ही है। ओके ठीक है, ठीक है। हमारा तीसरा सवाल है, व्हाई इज अविद्या कंसिडर्ड बिगिनिंगलेस एज मेंशन्ड इन श्लोका 198-199? बिगिनिंगलेस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जब से संसार है तब से अविद्या है जी। संसार जो है अविद्या में तो है, जब विद्या हो गई तो संसार गायब। अभी बात जो हो गई ना विद्या विद्या के बाद, जब आध्यात्मिक विद्या हुई तो संसार गायब हो जाता है। विवेक चूड़ामणि में आएगा,
वो ध्यान करते विचार करते करते इधर अरे जगत तो अभी दिखाई दे रहा था कहाँ गायब हो गया। शिष्य को एक्सपीरियंस होता है जब आत्मा स्वरूप अपने को जानता है जगत को मिथ्या जानता है, कहता है जगत अभी भी मैं जो दिखाई दे रहा था वो कहाँ गायब हो गया। तो ये अविद्या के कारण जगत संसार हमें दिखाई देता है, विद्या होने पर संसार गायब हो जाता है। तो महाराज हम ये कह सकते हैं कि अभी हम संसार को देख तो रहे हैं बट क्योंकि ये एक अविद्या है और ये इसकी कोई अस्तित्व ही एक्चुअली नहीं है, तो जिस चीज की अस्तित्व ही नहीं है तो उसका वो तो बिगिन उसका कोई बिगिनिंग भी नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज बिगिनिंगलेस आल्सो। ये भी कैसे वो तो आत्मा का बिगिनिंगलेस, हाँ संसार तो बिगिनिंगलेस है, हाँ मतलब जो जो एक्चुअली है ही नहीं तो वो बिगिनिंगलेस ही हुआ ना, क्योंकि ये तो वेदांत सेज इट इज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ हाँ वो तो डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन अगर आपको यू भी मानो कि संसार है अच्छा तो भी कब शुरू हुआ? एंडलेस। वो सूर्य हुआ पहले, अब सूर्य कब शुरू हुआ? अच्छा यू कैन नॉट, कहीं पर जा ही नहीं सकोगे, पहुंच ही नहीं सकोगे। सो वी यूज द वर्ड बिगिनिंगलेस, हमें पता ही नहीं कहाँ शुरू हुआ। ठीक है ओके महाराज, फोर्थ क्वेश्चन है इन 206 explaining vijnanmaya kosh, it says it cannot be self, it says it is an object of the senses. Now what is meant by that? क्या कहा है, किसके बारे में? vijnanmaya kosh को कहा गया है it cannot be the self because it is an object of the senses, मतलब vijnanmaya kosh is an object of the senses. इसको ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस को बताया, एक्चुअली इट इज एक्चुअली नॉट इट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द माइंड। अच्छा ये डिटरमाइनिंग फैकल्टी जो है उसको हम ये विज्ञान कहते हैं। अच्छा वो एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए, हां वो पार्ट ऑफ द माइंड ज्यादा है नॉट फ्रॉम द सेंसेस, यू नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो सेंस के साथ में इंटरनल सेंस जो है हमारे मन के लेवल के जो सेंसेस है उससे संबंधित है, क्योंकि उससे डिटरमिनेशन हो जाता है सेंसेस के संबंध में भी कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये डिसीजन जो होता है ये विज्ञानमय कोश के कारण होता है, उसको इस प्रकार से जी क्योंकि उसमें वो विज्ञानमय कोश सेल्फ क्यों नहीं है उसके चार पांच कारण बता रहे वो। फर्स्ट इट सेज इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, सेकेंडली इट सेज इट इज इनसेंटिएंट, थर्डली इट इज ए लिमिटेड थिंग, and fourth he says is the object of the senses, so iska wo object of the senses ko hum isi tarah le jaise aap keh rahe because it is part of the mind, so mind ke sath hi juda hua hai isliye it is object of the senses. Okay and last question on from this section is maharaj object of sense matlab ye to nahi hoga ki jaise hum apne buddhi ko jaan sakte hain, that is what it is, that is object. हम अपने senses के द्वारा उसको जान सकते हैं, हाँ हम हमारी बुद्धि को जान सकते हैं, हाँ through our senses, हाँ yes, ठीक है correct, that is more appropriate, yes. महाराज last question इस section में है, one of the main things in this section of Vivek Chudamuni appears to be manonash. If I have understood correctly from my past scriptural studies and understanding, it can be done through all four yogas. In Riyad Yoga, it can be done by Chitta Vritti Nirodh. In Karma Yoga, by Chitta Shuddhi. In Gyan Yoga, by negating everything till we are established in non-existence of mind. But what happens in Bhakti Yoga, Maharaj Ji? ऐसे Bhakti Yoga में क्या है कि वहाँ पर नाहम नाहम तू हूँ तू हूँ, ठाकुर बोलते हैं ना भक्ति योग अच्छा। में मैं नहीं नाहम नाहम तू हूँ, तो भक्त जो है वो भगवान में विलीन हो जाता है अच्छा। मैं नहीं तू हूँ, नॉट द गॉड वी मर्ज इन गॉड, मर्ज विद गॉड, ये गोल जो है भक्ति योग का गोल जो है जी, वो जी। क्या है वी मर्ज इन गॉड, मर्जिंग इन गॉड, ओके आई डोंट रिमेम्बर, नाहम नाहम है ना तू हूँ तू हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, दैट इज वेरी करेक्ट जी, दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर भक्ति योग। ठीक है महाराज, तो मेरा महाराज इस सेक्शन का तो मेरे पांच सवाल हो गए, पिछले सेक्शन वाला करूं महाराज? कर लो तो कर लो,
अभी याद नहीं, यहाँ पे मेरे नोट नहीं है, फिर कर लो। हाँ क्योंकि वो रेफरेंस अलग होगा ना। हाँ देखो देखते हैं। हाँ अगर आप कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। श्लोक 108 टॉक्स ऑफ माया ऑल्सो इज कॉल्ड द अनडिफरेंशिएटेड। मैं ये जानना चाहता हूँ, प्लीज एक्सप्लेन दिस अनडिफरेंशिएटेड। ऑल्सो इज इट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और महत सेम, इनको इसको कई नाम दिए गए हैं। अव्यक्त अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त को अनडिफरेंशिएटेड किया है, उसको आप समझा नहीं सकते जी। ये इनडिस्क्राइबेबल, ओके, समथिंग विच इज इनडिस्क्राइबेबल, इसलिए माया को अव्यक्त या इनडिस्क्राइबेबल कहा गया। अनडिफरेंशिएटेड तो बेसिकली, और ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस और महत क्या सेम है महाराज जी? नहीं, माया उसके भी परे। अच्छा अच्छा, माया इज बियॉन्ड कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ऐसा है कि ये वेदांत में कुछ कुछ सिस्टम जो है वो माया को नहीं मानेंगे और उसको ये अपने अनडिफरेंशिएटेड मानेंगे, महत मानेंगे। अच्छा हाँ, तो महत है क्या महाराज? अब वही तो है कि अब जो है कि एक अनडिफरेंशिएटेड सब सर्वत्र विद्यमान एक सत्ता है। अच्छा, तो दैट्स ऑल, यानी जब हम सबको मर्ज करेंगे तो अल्टीमेटली एक सत्ता बच जाएगी, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और उसके बाद ब्रह्मा आएगा इस प्रकार से। तो इसी के अनडिफरेंशिएटेड मींस उसमें तीन गुण नहीं है, तीन गुण हाँ, मिले हुए पड़े हुए हैं। तो कारण शरीर नहीं है महाराज? नहीं, वो तो ब्रह्म का कहना चाहता तो कह सकते ब्रह्म का कारण शरीर करो, तो क्योंकि महत तो, महत जो है, महत शब्द जो है वो कॉस्मिक के साथ आएगा। दो लेवल पे विचार करते हैं ना। अच्छा, ओ माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म जी, ये समस्या हो। हम जब डीप स्लीप में होते हैं तब हम क्या अव्यक्त स्थिति में होते हैं महाराज? हम अव्यक्त ही बोलो, क्या कहो तो उसको तुम लोग। ओके, सेकंड क्वेश्चन महाराज, महाराज माया इनडिस्क्राइबेबल क्यों है? माया इनडिस्क्राइबेबल क्यों है? माया इनडिस्क्राइबेबल अवर्णनीय क्यों है? क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया, समझा नहीं। वो पूछ रहे हैं महाराज कि व्हाई इज माया अवर्णनीय? अवर्णनीय करो करो ना, वर्णन करके देखो ना। अच्छा, तो ये हिंदी में लिखा है माया या अविद्या परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर शक्ति। हाँ। अभी और आएगा, अभी आएगा, विवेक चूड़ामणि में ही आएगा जी। वहाँ पे माया का वर्णन उन्होंने कहा कि यह ऐसी भी नहीं है, वैसी भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, अवर्णनीय महाअद्भुत है, अनिर्वचनीय है। महाराज जी, महाराज जी एक चीज पूछूं, जो कुछ भी चीज हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाया या समझ में नहीं है उस माया में डाल दिया। अच्छा, आपको कर देना जैसा करना हो कर लीजिए, अब आगे चलिए आगे। महाराज, माया को प्रकृति के साथ जोड़ा गया है, तो इसी प्रकार क्या ब्रह्मन को पुरुष के साथ जोड़ सकते हैं हम? माया को प्रकृति के साथ नहीं जोड़ा जाता। नहीं, अच्छा? नहीं, 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 माया को प्रकृति के साथ नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि अच्छा। प्रकृति जो है वो सांख्य का शब्द है। अच्छा, हाँ, उसको जोड़ना जोड़ना ही ठीक है। ओके ओके, इसलिए ब्राह्मण और पुरुष भी बात नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, इन श्लोक 142 इट सेज इगोइज्म इज जनरेटेड बाय द सेल्फ एंड कवर्स द रियलिटी ऑफ द सेल्फ। माय क्वेश्चन इज
why does the Atman have to cover itself with the ego in the first place? मतलब वो करती क्यों है, अपने आप को ईगो से ढक क्यों लेती है? Why does this phenomenon take place? और ये देखो ऐसा है कि ये माया क्यों आई, कैसे आई, इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता, उसका जवाब नहीं है। अच्छा, माया क्यों आई, कैसे आई? छोटू नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, माया कैसे आई, क्यों आई, इसका कोई उत्तर वेदांत नहीं देता। कैसे भगाना है, कैसे कैसे भगाने की बात तो है, सारा साधना भगवान की है, वो कैसे आई उसकी बात छोड़। नहीं, उसको आत्मा तो नहीं ढकती है। वो सुबीर पूछ रहे हैं कि आत्मा कैसे माया से कवर हो जाती, आत्मा नहीं कवर करती है। ये मेरा भी क्वेश्चन है महाराज जी, इतना पावरफुल है आत्मा, अविद्या के कारण आत्मा के ऊपर जैसे ढका लगता है, जैसे ढका है। अच्छा, आपको जैसा बोलना हो बोलिए, मैं क्या बोलूं। चलो, उससे फर्क क्या पड़ता है? आत्मा जैसे आत्मा कोई काम नहीं कर रही ना, आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा सचमुच ढकी हुई है या ढके जैसी लगती है? कष्ट तो दोनों अवस्थाओं में होता ही है, बंधन तो दोनों अवस्था में होता है। अब बचा बात करें, वेदांत करते हैं आत्मा कभी कवर नहीं होती है, कवर जैसी लगती है। अरे लेकिन संसार में तो माया के कारण सब कष्ट होता ही है ना, अगर उसने कवर किया हो या कवर जैसा किया हो क्या फर्क पड़ता है? इस विषय को लेकर क्यों इतना कष्ट करते हो? ये बड़ा बड़ा है, ठीक है महाराज, इसको अभी यही छोड़ देते हैं। महेंद्र महेंद्र, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है महाराज, ये इसको यही छोड़ देते हैं। दैट्स ऑल, प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। निवेदिता जी महाराज, पहला प्रश्न है कि व्हेन वी आर इन आनंद विदाउट एनी रीजन, व्हाट इज दैट आनंद? It is it the anandamaya koshas ananda or brahmananda? No, that is ananda due to atma ananda ya brahmananda, tum kehna chaho to kaho. Acha. Haan, moment kshan bhar ke liye man shant ho jata hai, wo brahma ka anand ya atma ka ananda jo hai, atma ananda jo hai, us atma man ke upar reflect hota hai uska. Ji. बट महाराज ऐसा है क्या, ब्रह्मानंद इफ वंस वी गेट तो हमेशा रहेगा? हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि इसको आत्मानंद बोलो, ठीक है। ठीक है, सेपरेट करके बोलो। हाँ, सेकंड प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ आनंद, प्रिय, मोद एंड प्रमोद? प्रिय यानी किसी वस्तु को हमने देखा, हमारे प्रिय वस्तु को, लड्डू को देखा तो हमको प्रिय आनंद हुआ, ये प्रिय हुआ। उसको हाथ में लिया तो मोद हुआ, मोद हुआ। अच्छा, और खाया तो प्रमोद हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तीसरा प्रश्न है मेरा, does आनंदमय कोश contains वृत्तिज, is it because of the तमोगुण? इसमें लिखा हुआ है, मतलब उसमें क्या है कि आनंदमय कोश में अज्ञान रूपी वृत्ति रह सकती है, बस। हाँ हाँ, यही मुझे बस। अच्छा, अब चौथा प्रश्न है कि हाउ कैन वी रिमेम्बर अवर स्वरूप मन आत्मा फॉर 24 आवर्स? विचार के द्वारा, विचार के द्वारा 24 आवर प्रैक्टिस करो। तुम्हारे संसार के अंदर इतना आकर्षण है कि उसमें हम चले जाते हैं। हाँ महाराज, कर्तव्य बहुत सारे हैं, उसके संसार के कर्तव्य खत्म ही नहीं होते महाराज, यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, संकार का चर्चर खत्ता ही नहीं है तो क्या करेंगे। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज प्राग भावस्य, ये जरा एक्सप्लेन कर दो। प्राग अभाव, प्राग अभास, पहले प्राग यानी पहले और उसका अभाव। जी, अभाव। हाँ, अभाव क्या होता है समझ नहीं रहा हमारा। पहले की अभाव, देखो ऐसा है कि जैसे किसी वस्तु का हमने ये क्लास कर रहे हैं, उसका पहले अभाव था ना। जी, ये हम जब ने क्लास की तो पहले का अभाव नष्ट हो गया। जी, यानी क्लास आ गई। ठीक है,
तो अब वो श्लोक को देखते हैं कि उसी प्रकार से जब ज्ञान होता है तो अपराग अभाव जो है वो नष्ट हो जाता, उसका अभाव जो था वो नष्ट हो जाता, वो कुछ नहीं है, वो फालतू पे तो अब है विच इज मोर पेनफुल दुखात्मक मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, मैं जो ज्यादा पेनफुल कौन सा है, मनोमय कोश ज्यादा पेनफुल है कि विज्ञानमय कोश? नहीं, कोश जो है वो क्या है, विज्ञानमय कोश जो निर्णय होता है, मनोमय कोश में जब हुआ उसका अगर प्रभाव विज्ञानमय कोश रहा तो विज्ञानमय कोश जो है वो कंटिन्यूअसली कष्ट देता रहे। दोनों में, दोनों जहां तक वो दुख का प्रश्न है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर से बताइए, समझ में? ऐसा है कि मन में दुख होता है ना, जी जी, लेकिन मन जो है दुख जो होता है वो निश्चित होता है बुद्धि में, हाँ मुझे दुख हो रहा है, निश्चित हो गया, निश्चित हो गया, मन किसे जाके बुद्धि में आता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित। ठीक है, बस महाराज, हो गया। देवाशीष, हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। तुमने तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, चलो। हाँ महाराज जी, आपका तो सब काफी चीज तो क्लियर हो गया, मैं तभी भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार थोड़ा बहुत। ये कौन है भामरी जी के सामने, कौन प्रणाम कर रहा है मेरे को? महाराज जी, भामरी जी के मोबाइल फोन से कौन प्रणाम कर रहा है? नहीं, वो बंद है। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, खुल नहीं रहा है। भामरी जी सर, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। मेरा नहीं, भामरी जी का है। भामरी जी का म्यूट है। महाराज, रविकांत जी प्रणाम कर रहे हैं आपको। कौन कौन कौन? रविकांत शर्मा महाराज, रविकांत, रवि, रवि पंचकुला वाला। अरे वो तो दाढ़ी वाड़ी हम पहचाने नहीं। महाराज जी, आप बदल गए, ठीक है, बहुत बदल गए, ठीक है, ठीक है, प्रणाम महाराज। हाँ भाई, थैंक यू महाराज, नमस्ते। तो बहुत सारे लोगों को प्रणाम कराया आपने आज, तीन चार जने हैं। हो गया, बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, आवाज बंद हो गया, मधुमक्खियों की तरह मुझे घिरा हुआ है। मैंने भी बात करनी, मैंने भी आशीर्वाद लेना, मैंने भी आशीर्वाद, सभी बैठे मेरे चारों तरफ बैठे हुए। दर्शन करा दीजिए, श्राइन में, श्राइन में महाराज। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओ अच्छा, आज के प्रोग्राम में आए हो, प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ हाँ, सभी सभी आप सभी आपको प्रणाम कर रहे हैं महाराज। ठीक है ठीक है, आप मेरा मेरा सबको शुभकामना दे देना भाई, नमस्कार। Yes. चलिए देवाशीष। हाँ महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। क्वेश्चन है फ्रॉम वर्स नंबर 173, फ्रॉम दिस वर्स इट अपीयर्स दैट वैराग्य इटसेल्फ इज एनफ फॉर लिबरेशन, काइंडली एक्सप्लेन। मैं पढूं वर्स? इम्पॉसिबल है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, केवल विज्ञान से नहीं होगा, वैराग्य से नहीं होगा। अच्छा, वैराग्य बहुत इम्पोर्टेंट प्रिलिमिनरी है। अच्छा, लेकिन बिना विज्ञान, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। जी महाराज, जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, देह मन प्राण से बिल्कुल भिन्न हूँ, मैं शुद्ध चित्त बुद्ध स्वभाव हूँ। ये विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा ये होगा, लेकिन विवेक के मात्र उससे नहीं होगा। हाँ जी महाराज जी, जी महाराज, समझ में आया जी महाराज जी। तो ये इसमें बोला है कि इट क्रिएट्स एन अनअटैचमेंट इन मैन फॉर द बॉडी एंड all other sense objects and binds him through that attachment like a beast by means of ropes. Afterwards, the self, the same mind creates in the individual an utter distaste for these sense objects, matlab vairagya, utter distaste for the sense objects as if they were poison and frees him from the bondage. Matlab लेकिन अभी और बाकी बात, बहुत सारी बाकी चीजें होती।
जी महाराज जी, जी महाराज समझ में आया महाराज। विवेक विवेक और वैराग्य ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, एक मिनट क्वेश्चन में निकालू, नो सब्जेक्ट कहाँ चला, गायब हो गया क्वेश्चन। वो सांख्य की बात है, प्रकृति की बात कर रहे हैं। हाँ प्रकृति का बात कर रहे हैं, तो प्रकृति कहाँ से आ गया ये, इस प्रकृति तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए विवेक चूड़ामणि में। हम तो विवेक वैराग्य का बात कर रहे हैं ना, प्रकृति तो सांख्य फिलोसॉफी में आ जाते हैं महाराज जी। हाँ, बस वही है, वेदांत ने उसको स्वीकार किया है टू सम एक्सटेंट। अच्छा जी महाराज जी, तब मेरा क्वेश्चन मिल नहीं रहा, अचानक कहाँ गायब हो गया, एक मिनट महाराज जी। सब्जेक्ट माय गॉड, ये क्या भाई। थर्ड क्वेश्चन महाराज जी, कोई मैंने मोबाइल से ढूंढ रहा हूँ मैं महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, अलर्ट। थर्ड क्वेश्चन था क्या, सारा इतना टाइम वेस्ट होता है कई बार के। ठीक है महाराज जी, मिलने से भी बाद में पूछूंगा महाराज जी। रीता रीता विश्वाल, प्रणाम महाराज जी। रीता विश्वाल, क्या हुआ? यस स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ भाई, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज श्लोक 164 वे शंकराचार्य सेज आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी एंड all that is unreal is cause of misery and it is to be destroyed with utmost care. Dilibhai also asked this question, what is that utmost care that is to be taken? Yes, whole sadhana jo karna hai, describe karna hai, this is a most important thing. Yani shama dama uparati pratiksha shraddha samadhan नित्यानित्य वस्तु विवेक, आई एम नॉट द बॉडी, ये सब का सब अटमोस्ट केयर, यानी करण निरंतर करना है, बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन बिहेवियर कर रहे हैं उसमें हम बॉडी को सत्य मान कर रहे हैं, प्यार को किया कि आई एम नॉट द बॉडी, बट व्हेन यू बिहेव यू आर, व्हेन यू आर वर्किंग, संसार में काम कर रहे हैं, जब खाना खाते हैं तब ये भूल गए थे आई एम नॉट द बॉडी। तो अटमोस्ट केयर का मतलब है कि जो हमने सोचा है, प्रतीक्षा है, तो उसको फॉरबियरेंस है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉरबियरेंस विद अटमोस्ट केयर। यस सर, अलग होना है, अलग रहना है, हमने विचार किया इसको अटमोस्ट केयर से प्रैक्टिस करना है। सो अटमोस्ट केयर जो है संसार की बातों में हम, दे आर वेरी पर्टिकुलर, जहाँ पैसे का मामला है तो बिल्कुल बराबर अच्छी तरह काउंट करते हैं, वे आर पर्टिकुलर, सिमिलरली वे मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट साधना। दो दिन छोड़ दिया, फिर हो गए, मैं इतने साल से कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं किया, कुछ दिन किया था फिर छोड़ दिया था, ऐसा नहीं होगा। अटमोस्ट केयर, यू नो, व्हेनेवर यू इन द संसारी चीज वस्तु के लिए जो अटमोस्ट केयर होती है, उसी प्रकार से ये साधना में अटमोस्ट केयर होना चाहिए। यस स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। श्लोक 171, काइंडली एक्सप्लेन दिस श्लोक एज आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल, स्पेशली द लास्ट सेंटेंस, मैन्स रिलेटिव एग्जिस्टेंस इज सिंपली द क्रिएशन ऑफ हिज माइंड and has no objective reality. Very very important and very good question. Relative, we are living in a relative existence. हम जो संसार में रह रहे हैं वो संसार अपने ढंग से चल रहा है, हम अपने माइंड से, हमने we have created a world. Yes. I am created a world, I am thinking of someone else in a particular way. Yes. ये है तो क्या है कि जमीन, ये पंच भौतिक संसार बना हुआ है, लेकिन मैंने आश्रम बना लिया है, मैंने मकान बना लिया है, मैंने मित्र बना लिया है, मैंने शत्रु बना लिया है, ये सब जो है ये रिलेटिव एक्सिस्टेंस तो है और क्या है। यस, तो वी हैव मेड, सब मन के द्वारा, बाय माइंड वी हैव मेड वन एनिमी, वन फ्रेंड, वन गुड, वन बैड, दिस इज ऑल रिलेटिव एक्सिस्टेंस।
we yes. have to go on this very, very important question. Very important and very good question. Now, what is objective reality? Objective reality. What is objective? The reality, subjective reality is नीचे पीछे क्या है पंच भौतिक शरीर है ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रियलिटी है लोहे की ये हमारे ग्लास सामने पड़ी है ना ये लोहे की बनी हुई है ये है सब्जेक्ट सब्जेक्टिव बट व्हेन आई सी एज एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट इज आई एम आई इज सब्जेक्ट यस एंड आई एम सीइंग द वर्ल्ड एज ऑब्जेक्ट ओ यस तो सब्जेक्टिव नाउ यू रीड दिस सेंटेंस क्या है यस स्वामी जी रीड इट अगेन सेंटेंस इज देयर सेंटेंस इज देयर और नॉट नो यस स्वामी जी देन दिस श्लोक 156 टू 207 इन लास्ट क्लास माय फोर्थ क्वेश्चन रेफरिंग टू श्लोक 149 वाज हाउ टू गो बियॉन्ड द फाइव सीट्स What is to be reflected from? I have read the slokas referred by you. My understanding is still hazy. Kindly explain. See, अच्छा ये पूरा उन्होंने तो यू है जितने भी श्लोक हैं इन्हें पंचकोश जो है उसको तुमने समराइज वो किया था. Now understand one by one. In one week, try to understand Annamaya Kosh. Can you understand Annamaya Kosh? Annamaya Kosh, I have understood. Achha, okay, understood. Now for 1 week practice that I am not the Annamaya Kosh. Can you do it? Yes. Yes, I can. Because wo to badal raha hai, khan ho raha hai. Constantly for 1 week practice that I am not Annamaya Kosh. Ek khansi aa rahi hai, ye gale mein hai, ye Annamaya Kosh mein hai, mere mein nahi hai, main atma hoon. Yes. Practice for 1 week. Yes. After that, Next week you take up pranamay kosh. Yes. ये सांस फूल रहा है ये सांख है सांस है all this जो है ये प्राणमय कोश है. Yes. Understand? Yes. So another week you practice annamay and pranamay. ऐसा नहीं कि केवल together. Two weeks तो two करके करना पड़ेगा. इस तरह करोगे मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश तो then you will understand these things. Yes. फर्स्ट क्वेश्चन हाउ अवर आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी विल गो वो क्वेश्चन हो चुका है हमारी आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ कैसे जाएगी वो तो विचार के द्वारा होगा विचार के द्वारा ही होगा जी जी महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज हाउ इज द आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी कास्ट बाय माइंड 64 में है कि जो बॉडी के साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन माइंड के थ्रू आई है ऐसा है कि जब से जन्म हुआ है तब से ही हमारा माइंड के साथ में आइडेंटिफिकेशन है बॉडी के साथ में वे व्हेन द बॉडी बर्थ हुआ तब से ही हम अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं ना From the very birth, mind is the agent. Very birth, mind is the agent. हम जो हैं वो from the very birth we are fully identified naturally with the body. We always consider ourselves as body. जी जी महाराज जी महाराज महाराज फिर इसका क्या मतलब हुआ कि identification when this identification caused by the mind is given up, there is no more chance for rebirth. हाँ तो विचार के द्वारा जी जी फुल्ली आइडेंटिफाई तुमको पता चल जाए कि मैं बॉडी नहीं हूँ तो जब मरोगे तो तुमको लगेगा कि मैं नहीं मर रहा हूँ ये तो बॉडी मर रही है मेरे को क्या हो रहा है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा जी मन को समझाना पड़ेगा नहीं नहीं विचार समझाना नहीं है ये विचार है विचार है विचार के द्वारा कन्फर्म करना है कि आई एम नॉट द बॉडी जी जी महाराज व्हेन इट डायरेक्टली कन्फर्म दैट यू विल नॉट बी रीबॉर्न समझाना और विचार में क्या फर्क होगा
मन में दृढ़ करना, विचार को दृढ़ करना है मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज परमिटिंग द वाइटल शीथ। 167, द ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज टुगेदर विद द माइंड फॉर्म द मेंटल शीथ, द कॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स सच एज आई एंड माइंड, इट इज पावरफुल एंड एंड्योर्ड विद द फैकल्टी ऑफ क्रिएटिंग differences of name and the like. It manifests itself as permeating the proceeding that is the vital sheath. जो मन है वो vital sheath को, मतलब कि प्राणमय कोश को permeate करता है। महाराज तो क्या वो प्राणमय कोश को ही permeate करता है, हमारी बॉडी अन्नमय कोश को भी तो permeate करता है? अन्नमय कोश को प्राणमय कोश permeate करता है और मनमय कोश को भी। मनोमय कोश जो है वो अन्नमय और प्राणमय दोनों कोशों को परमिट करता है। जी जी, एक एक, एक एक कोश जो है, बाद वाला कोश पहले वाले सब कोशों को परमिट। जी महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, श्लोक 170, हाउ कैन द वेकिंग स्टेट बी इक्वेटेड विद द ड्रीम स्टेट। महाराज ड्रीम वर्ल्ड तुम्हारे माइंड की क्रिएशन है, लेकिन ये जो यूनिवर्सल वर्ड है, ऑब्जेक्टिव वर्ड है, वो तुम्हारे माइंड की क्रिएशन नहीं है। क्यों? हमारा जो जैसे स्वामी जी कहते थे, अभी हम तो ये मान के चले हैं, जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है जी? ड्रीम, जो ड्रीम वर्ल्ड है वो किसने देखा? मन ने देखा। क्यों? मन है वो, मन के अंदर सारा संसार बन जाता है ना। जी 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 महाराज जी, तो वेदांत के अनुसार तो ये कहते हैं कि जो बाहर का जगत अभी हमें दिखाई दे रहा है वह भी मन ने बनाया है। मन ने बनाया। और इसी विवेक चूड़ामणि में आएगा, आगे जाते जाते जब मन शुद्ध हो जाएगा तब उसको साक्षात्कार होगा, तो कहता था अभी तो जगत दिखाई दे रहा है, वो कहाँ चला गया? जी 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 महाराज, गायब हो जाता है, ये मन की ही सृष्टि है। जी। जी महात्मा ने बनाया ना महाराज। सुनो सुनो, इतना तो है कि एक युवती है तो एक कामी व्यक्ति वो एक प्रकार से देखता है और संत उसको दूसरे प्रकार से देखता है। तो ये जो है, कम से कम इतना तो समझते हो कि कुछ ना कुछ तो मन क्रिएट करता है ना। जैसे स्वामी जी कहते थे x plus y, स्वामी जी x को मानते थे पर y भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, there is something outside we don't know, we project it, that is why we say that the world is created by the mind. ji 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 ji, x bhi hai y bhi hai, mera kehne ka matlab ye hai ki ji maharaj. Next question maharaj, 184, the buddhi with its modifications and the organs of knowledge form the vigyanamayi kosh. Maharaj, what are the modifications and organs of knowledge, ये बताइए। विज्ञान, बुद्धि, इंद्रियां, बुद्धियां, बुद्धि इंद्रिय बोला तो हम, मेरे आंख से जो मैं देख रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी, मैं कान से सुन रहा हूँ, ये जितनी बुद्धि इंद्रियां सेंसेस हमारे ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस हैं, ये दिस पार्ट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द विज्ञानमय कोश। ये मनोमय कोश के भी पार्ट है और विज्ञानमय कोश? नहीं नहीं, विज्ञानमय के का पार्ट है, मनोमय के नहीं बोलो, विज्ञान में भी बोलने जनरली बोलते हैं उसको, कोई करना। ठीक ठीक महाराज, मॉडिफिकेशन, महाराज मॉडिफिकेशन क्या मतलब हुआ? कोई उसमें चेंजेस जो होते रहते हैं। जी महाराज, जब मैंने देखा एक चीज को तो उसमें माइंड में वो इम्प्रेशन आया उसका, वो मॉडिफिकेशन हो गया, संकल्प विकल्प। जी जी, मतलब मन और बुद्धि मिले हुए हैं एक किस्म का, वेदांत में इन दोनों को अलग करके बात करते हैं, अलग करके बात। मर लास्ट क्वेश्चन, हाउ लिबरेशन इज अटेंड, इज इट बाय मर्जिंग ऑफ माइंड इन आत्मा और बुद्धि इन आत्मा। महाराज वो तीन श्लोक है ना, एक में कहा है कि आइडेंटिफिकेशन विद जो बॉडी है उसको खत्म करने से हमारा रीबर्थ खत्म हो जाएगा, दूसरी जगह कहा है कि मनोनाश करना होगा, और तीसरी जगह बुद्धि का कहा है, तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि ये तीन अलग अलग बातें हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त जो है सबको नाश करना होगा, केवल आत्मा, ओनली आत्मा रहेगी, बस कुछ नहीं। जी जी, विचार के द्वारा इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है और शरीर भी नहीं है,
मनोमय कोष प्राणो, ये पांचों प्राण जो कोष है वो नहीं है, केवल आत्मा है। इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। राइट महाराज, प्रणाम महाराज। ठीक महाराज, इतना ही। इतु भवश। प्रणाम महाराज। हाँ। अच्छा, मेरा केवल दो प्रश्न है। एक है, विज्ञान में कोष कैसे कार्य करती है, कृपया संक्षेप में बताइए। इतना सुना फिर भी विज्ञान में कोष जो निर्णय मन ने विचार किया जी, ये कौन है, कहाँ जा रहा है, इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, अरे ये तो मेरे मामा है, ये जो कंक्लूजन हुआ ना जी, मन ने विचार के उसके बाद जो निर्णय हुआ कि ये तो मेरे मामा है, ये अमुक है, ये हुआ, ये विज्ञानमय कोष ने। अच्छा। मैं मानव हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्रह्मेशानंद हूँ, ये मेरी उम्र 80 बरस की है, ये जो है ये निर्णय जो हुआ विज्ञान। अच्छा ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कैसे और कौन बोला? पूर्णिमा महाराज। पूर्णिमा क्या बोलो, कोई प्रश्न है क्या? प्रणाम कुछ अपना के नहीं, नहीं देख सोलह एक उनके कुछ अच्छे के प्रश्न तो नहीं, तो प्रणाम किया महाराज आपको। अच्छा 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 ठीक है, नमस्ते 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 पूर्णिमा, ठीक अच्छे हेलो। आज अच्छा में आए थे ना। हाँ, ये तो बोलो आगे चलो। और दूसरा क्वेश्चन है, कैसे समझ में आए कि अविद्या धीरे धीरे जा रही है? देखो, अविद्या के विवेक चूड़ामणि जो वेरा पातंजल योग सूत्र में बड़ा अच्छा दिया है, अविद्या से अस्मिता अहंकार होता है, राग द्वेष होता है और अभिनिवेश होता है। तो अच्छा। अगर हमारा राग द्वेष कम हो रहा है, अभिनिवेश यानी संसार देह से आसक्ति से मृत्यु का भय यदि कम हो रहा है, और अस्मिता यदि अहंकार मेरा कम हो रहा है, समझ लो कि ये मेरी अविद्या कम हो जी। ठीक है, प्रणाम। सबके प्रश्न हो गए, कोई बचे तो नहीं? नहीं। बंद करें। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। ओम शांति 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 राम कृष्णा। चलो भाई, दिलीप भाई नमस्ते, तू नमस्ते, निवेदिता प्रणाम महाराज जी, चित्रा नमस्ते महाराज जी, देवाशीष कौन बोल रहा है? रेखा बोल रही हूँ। बोलो महाराज, सोलन वाले आंटी है ना, ब्रिज बाला जी, उनका शरीर शांत हो गया रात में ना। कौन कौन? सुमन आंटी के साथ आते थे ना ब्रिज बाला आंटी, हम तीनों रहते थे, तो ब्रिज वाला आंटी का शरीर शांत हो गया। मेरे को कोई याद नहीं आ रहा है भाई। सोलन से थे? नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है बिल्कुल। बोल, कितनी उम्र थी, एज कितनी थी उनकी? 78 थी। ब्रिज वाला थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है उनका। सुमन आंटी, मैं और ब्रिज वाला आंटी तीनों इकट्ठे रहते थे ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अच्छा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठाकुर को सब समय याद कर रहे थे, डिटैच हो गए थे पूरे वो ना। अच्छा अच्छा, वेरी वेरी। किडनी थोड़ा उनका प्रॉब्लम हो गई थी, फेल हो गई थी। अच्छा चलो अच्छा, बोलो प्रणाम कर लो। प्रणाम महाराज। नमस्ते नमस्ते, ये कौन है? मैं बोल रही थी कि ठाकुर का जब हम लोग आते हैं आश्रम में, या महाराज जी का कोई प्रवचन होता है, जैसे बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करो, जप ध्यान करो, तो मैं एक महाराज से बोल रही थी कि मैं मेडिटेशन करने जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जप ही ज्यादा करूँ, मेरे को मेडिटेशन उतना होता ही नहीं है। ठीक है, जप करो, मन लगा के जप करो, मन को जप लगाओ, जप करो, उसको मन ही मन सुनो, कितना कर सकते हो? हाँ
जब करो मन ही मन जब कर सुनो राम 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 कर रहे हो तो मुंह से करो और कान से उसको सुनो, या मुंह से कर रहे हो अंदर ही अंदर कर रहे हो तो अंदर ही अंदर उसको सुनो, इतना कर सकते हो? हाँ हाँ महाराज, हाँ इतना करो ठीक है। हो गया सतीश? ओके सुमित्रा दीदी भी आई है, प्रणाम महाराज। सुमित्रा दीदी आई है महाराज, सुमित्रा दीदी आई है, वो दिख रही है। तो नहीं ये महाराज बॉम्बे की है, बहुत ज्ञानी है वो। अबो मैंने कहा है ये महाराज सुमित्रा दीदी, अच्छा सुमित्रा, सुमित्रा दीदी तारेश्वर, नमस्ते नमस्ते, तो रोज ही आती हमेशा। हाँ हाँ वो वीडियो नहीं चालू करती, आज किया है। अच्छा 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 अच्छा, पंकज भाई नमस्ते, कुंडू नमस्ते, स्वामी जी अच्छा, भुवन नमस्ते, ओके।